सारे आदर आज एक बार फिर बड़ी खुशी की बात कि जो हमारा खख्याल है ये ब्लॉक नगरी है, तो आज यहाँ रोड का उद्घाटन किया। मेरे साथ हमारे डीडीसी के काउंसलर संदीप जी, हमारी सरपंच मैडम जी, हमारे देवी सिंह जी, हमारे एक्स सरपंच साहब और पंच हमारे जहाँ आए हुए। तो बड़ी खुशी की बात है कि आज ये जो रोड है बहुत ही लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी। तो संदीप जी, हमेशा मैंने देखा है कि ये हर इलाके को अपनी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का पूरा ध्यान रखते हैं, तो आज इन्होंने ये जो मिशन था आज कामयाबी हमने की है। संदीप जी को बहुत मुबारक है और मैडम जी को भी बड़ी बड़ी मुबारक कि आज ये जो बहुत ही लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, ये रोड जहाँ से खख्याल से नकियाँ के रोड के साथ मिलेगा तो कितनी बड़ी राहत होगी इन सब ये नगरी के लोग, सुमवा के लोग, कहीं के भी लोग, जहाँ के इवन के ये जो आसपास और भी गांव पड़ते हैं, कितना हम नकिया जाना होगा या इधर जाना होगा, कितना शॉर्टकट हो जाएगा। तो बहुत सारे मकान हैं, बहुत सारी जगह है जहाँ, तो ये 1.20 किलोमीटर का ये रोड बनेगा और इसकी 1.44 करोड़ रुपया तो इसकी लागत आएगी। तो आज बड़ा खख्याल वासियों के लिए, पूरे नगरी ब्लॉक के लिए, पूरे हमारे ज़िले के लिए एक मुबारक का दिन है कि ये जो आज रोड बनने जा रहा है। तो हम धन्यवाद करते हैं भारत सरकार का कि जो पूरे दमखम से हम पूरी हमारी कौंसल को, हमें पूरा जो हम कौंसल में रखते हैं तो उस पर ऊपर संज्ञान लेके भारत सरकार जो हमारा काम करती है, तो हम धन्यवाद करते हैं, अपने डॉक्टर साहब का धन्यवाद करते हैं और अपनी पूरी कौंसल जो हरी एकजुट कौंसल है हमारी, हम जो भी रेजुलेशन पास करते हैं तो वो तुरंत एलजी साहब हों या भारत सरकार हो, डॉक्टर साहब हों, उस पर वो संज्ञान लेके वो तुरंत हमें काम की वो राहत मिलती है। तो कल फिर हम एक साथ बैठेंगे, कल फिर हमारी कौंसल की मीटिंग है, कोई और नए हम प्रोजेक्ट्स वहाँ लेके आएंगे। तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये सबके लिए बहुत मुबारक का दिन है, बहुत ही अच्छा लगा, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भीम, जय भारत। आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, हमारे वाइस चेयरमैन श्री बबलू जी, हमारे सरपंच साहिबा, नायब सरपंच साहब, पूरी पंचायत यहाँ पे, पंचीस और जितने भी यहाँ पे प्रोमिनेंट सिटीजन ऑफ खोख्याल हैं वो सारे यहाँ पे एकत्रित हुए हैं इस रोड की इनाग्रेशन के लिए। ये रोड खोख्याल से जाते हुए हमारे नकिया गांव तक ये इंटरलिंक्ड है, यहाँ जो एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं ये सारे इसके साथ लिंक अप होंगे। 1 किलोमीटर और 200 मीटर का जो स्पैम है वो कवर करेंगे 1.44 करोड़ की लागत से। इसमें पुलियाँ भी आएंगी और इसकी जो विड्थ है वो इतनी है कि यहाँ से जो डबल रोड है वो पूरा इसको कनेक्टिविटी देगा। जो हमारा खोख्याल से आने जाने वाले लोग, नकिया की तरफ जाने वाले लोग थे, इनको काफ़ी पुरानी दिक्कत आती थी इस रोड को यूज़ करते हुए, क्योंकि खस्ता हालत में तो और काफ़ी पुरानी डिमांड थी। इसका संज्ञान लेते हुए हमने अपनी काउंसिल के सामने भी रखा और इसका जो
पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को हमने अपने लेटर हेड पे लिखवा के भेजा था। आज उस काम का उद्घाटन करते हुए काफ़ी खुशी होती है और मैं अपने बड़े भाई बबलू जी का भी धन्यवाद करूँगा, क्योंकि ये भी हमेशा हमारी सपोर्ट में रहते हैं। हमारी काउंसिल की जो कोई भी जब हम अपना प्रोजेक्ट रखते हैं तो उस पर विचार विमर्श करके उसको आगे प्रोसेस करते हैं। आज आपके माध्यम से मैं कोख्याल में खड़े होकर ये भी बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारे नगरी की एक बहुत पेंडिंग डिमांड है कि ये जो चंदग्रां से लेकर नगरी का रोड है ये वाइडन होना चाहिए। इसकी DPR प्रिपेयर होके अप्रूवल के लिए जम्मू जा चुकी है। बहुत जल्द आपको मुबारकबाद इसकी भी हम देंगे और बहुत जल्द इसका उद्घाटन भी होगा। ये जो रोड है ये भी वाइडनिंग होगा। और आज के इस मौके के लिए मैं समस्त गाँव वासियों को, पूरे कठुआ वासियों को, नगरी के जो जितने भी शहरी हैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। ज़्यादा खुशी है, पूरे ग्राम की खुशी है, लागे बंदे जिन्ने साढ़े ब्लाक है सारे की इस गल की खुशी है। और मैं सब तो ज़्यादा बबलू भाई साहब को मैं बहुत मुबारक देता हूँ, संदीप को मुबारक देता हूँ कि जे हमारे गांव के ये मुबारक कहना इन्हें को ये हमारी जो डिमांड थी वो आज पूरी हुई है। बहुत देर की ये डिमांड थी तो चलो इनकी कोई PWL की इनकी सबके भाइयों की ये मेहरबानी है कि ये गरीब गांव के इन्हें सुन ली है। तो मैं एक जो नगरी से कठुआ तक रोड जाता है इसमें बहुत कैजुअलिटी हुई है। मैं आज मौके पर ये भी इनसे चेयरमैन से ये बात करूंगा, बस बहुत ही रिक्वेस्ट की बात है कि कोई ना कोई महीने बाद इसकी कैजुअलिटी हो जाती है। ये रोड की बहुत समस्या है, ट्रैफिक बहुत चलती है तो वो जल्दी को जल्दी हो जानी चाहिए। हाँ जी, मैं नायब सरपंच देवराज कोहली, पंचायत कोख्याल। अज साढ़े बिच आए दे DDC वाइस चेयरमैन बबलू जी, साढ़े DDC काउंसलर संदीप मजोत्रा जी, ये दोनों ही शख्सियत बधाई दे पात्र ने, क्योंकि इन्हें ज़्यादा कोला ज़्यादा अं बधाई दें और ज़्यादा कोला ज़्यादा अं इन खुश हैं, क्योंकि ये अगे हुई है हर ग्रां दे विच, हर सिटी दे विच, साड़ी कठुआ सिटी होई जिन्हें भी नगरी तहसील के ग्रां ने सारे च चक्कर मार देना, सारे च बड़ा वधिया काम चला दा और डिवेलपमेंट बड़ी अच्छे तरीके होवा दी है। तो असी